तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं, बिकॉज वीडियो काफी लेट आ रही है, क्योंकि 500 लाइक्स तो 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो गए थे। तो गाइस यहां पर यार लाइव चलाने में, दिखाने में खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, चीजों को ढूंढना पड़ता है, उसके बाद ही वीडियो को ला पाता हूं। तो यहां पर गाइस देखो, आज है इंडिया और पाकिस्तान का मैच और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। सो इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इन सभी चैनल्स की तरह अपने खुद के चैनल पर लाइव क्रिकेट प्ले कर सकते हो। गाइस ये चैनल्स एक एक दिन में 1-1 हजार, 2-2 हजार, और आज के दिन तो ये पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स लेके जाएंगे। और जितने लोग यहाँ पर लाइव कर रहे हैं ना, सभी के चैनल अधिकतर मोनेटाइज होते हैं, बिकॉज यहाँ पर पूरे दिन लाइव करते रहो तो भाई 2 से 3 दिन में चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और ये लोग लाइव के थ्रू बहुत पैसा कमाते हैं। जितना आप लोग वीडियो अपलोड कर करके नहीं कमा पाओगे, उतना पैसा ये लोग लाइव में कमा लेते हैं। तो यहाँ पर फंडा क्या है उसको समझाता हूँ। जैसे कि अभी 9:30 बजे से जो है वो पाकिस्तान, वो आयरलैंड और श्रीलंका का मैच स्टार्ट हो चुका है, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहां पर इन लोगों ने लाइव करना शुरू कर दिया है। अब दिखाता हूं कि ये लोग अर्निंग किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर ये देखना कि इन्होंने यहां पर एक गेम प्ले को रिकॉर्ड करके यहां पर ऐड कर रखा है, और साइड में यहां पर सारे जो मैच के स्कोर वगैरह हैं वो यहां पर ऐड कर रखे हैं। अब अर्निंग कैसे कर रहे हैं वो देखना, मैं आपको इस वीडियो में सेम टू सेम, मतलब थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन लाइव करने सिखाने वाला हूं कि कैसे अपने चैनल पर आप लोग लाइव करोगे, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक लिंक दिया है। पहला तो ये लोग अर्निंग कर रहे हैं, पता है किससे? मोनेटाइजेशन के थ्रू। दूसरा, इन्होंने जो फैंटेसी एप्लीकेशन होते हैं उनके लिंक यहां पर दे रखे हैं, इनका टेलीग्राम चैनल भी है। सो यहां से आप लोग टेलीग्राम के यूजर्स को इंक्रीज कर सकते हो, प्लस जो फैंटेसी एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो, जैसे कि ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्किल और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, उनके जो रेफर लिंक होते हैं वो यहां पर आप लोग दे सकते हो। इसके थ्रू लोग ज्वाइन करेंगे, आपको रेफर का कमीशन मिलता है 10-20%, और यहां पर ये सारी चीजें हैं। सो अब हमें करने क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें गेम प्ले रिकॉर्ड करना है, तो गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए मुझे चलने पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और यहां पर आपको प्ले स्टोर से एक गेम को डाउनलोड करना है जिसका नाम है क्रिकेट गेम, ठीक है। और ये एक गेम है जिसके नाम है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसी गेम को आपको डाउनलोड करना है, और ये करीब 1.5 GB का गेम है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप लोग प्ले पर क्लिक करेंगे, और प्ले पर क्लिक करने के बाद ये गेम आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा गेम। इसको सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको देख सकते हो कौन कौन कमेंट्री करते हुए दिखेगा, ठीक है। इसको आप लोग साइन इन कर लीजिएगा अपने फेसबुक के थ्रू या किसी के भी थ्रू यहाँ पर साइनअप कर सकते हैं। अभी पहले मैं इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखो बहुत सारे जो लीग्स वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर कुछ लीग्स ऐसी हैं, जैसे कि आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखना, ये लिखा हुआ है आपको ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 199 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी गेम को यहाँ पर खरीद करके अपने उस पर प्ले करते हैं, और इससे उनको बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं। अगर आपके पास शुरू में पैसे नहीं हैं तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा है क्विक प्ले, ठीक है। इस पर आप लोग को क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे न्यू मैच पर, और यहाँ से आप लोग टीम चूज करेंगे। देखो आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो मैं इन दोनों टीम को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर एक टिक का बटन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। टिक वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ये रही इंडिया की जर्सी, अगर आपको इन तीनों में से कोई सी लेनी है तो आपको ये परचेस करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर देखो एक टिक वाला ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहाँ पर मैच करना है वो आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हो, देन फिर से टिक पर क्लिक करना है, ये आपकी पूरी टीम आ जाएगी, और ये आपकी पूरी टीम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्री टीम है, और चेंजेस करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आप लोग को क्या करना है, गेम प्ले रिकॉर्ड करना है, कोई भी रिकॉर्डर यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको ये देखो टैप टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और ये मैच स्टार्ट हो गया, यहाँ पर लाइव कमेंट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप टॉस जीते तो आंखें मूंद के कीजिए बैटिंग और बना दीजिए एक विशाल का स्कोर। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली कमेंट्री करते हुए मिल जाएगी, और ये नॉन कॉपीराइट है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, ये कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर आप लोग यूज़ करते हो, इसके मैं इसका यूज़ करता हूँ, तो इसके थ्रू आप लोग क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दोगे, और ये आपका यहाँ पर गेम प्ले रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इस गेम प्ले को रिकॉर्ड करने के बाद आपको डालना है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गेम प्ले रिकॉर्ड करके डाला है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा PC है, और यहाँ पर मैंने इसी एप्लीकेशन से ये देखो ये गेम प्ले रिकॉर्ड किया है, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। ये भाई है,
तो हमने क्या करा, हमने अपने मोबाइल फोन से एक गेम प्ले रिकॉर्ड करके अपने लैपटॉप में डाल दिया है। अब अगले स्टेप क्या करना है उसको समझ लेते हैं। सो गाइस, अभी हमने गेम प्ले रिकॉर्ड कर लिया है, आप सभी ने देखा। अब मैं सेकंड स्टेप क्या करना है, हमने उस गेम प्ले को अपने लैपटॉप में भी डाल लिया है। सेकंड स्टेप हमारा यह है कि हमें जाना है गूगल पर, यहां हम सर्च करेंगे OBS स्टूडियो डाउनलोड। ये लैपटॉप वालों के लिए है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड इंस्टॉलर पर। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपका OBS स्टूडियो है वो यहां पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो चीज समझ लीजिए। आपको एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, और अगर आपको अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो यहां पर आपके मिनिमम 50 सब्सक्राइबर होना जरूरी है, ठीक है। और आपका चैनल 90 डेज ओल्ड होना चाहिए। वैसे ये स्टेप यहां से हटा दो, इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। बस आपके 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए। अब वो कैसे आप लोग पूरे करोगे, अभी आपको उसकी ट्रिक बता दूंगा, डोंट वरी। जिन्होंने अभी नया चैनल क्रिएट करा है अभी के अभी, उनको आज की आज 50 सब्सक्राइबर पूरे करके दिखाने वाला हूं। इसके अलावा आपका चैनल आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई होना जरूरी है, ठीक है। और जब आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करोगे तो 24 घंटे का वेट करना पड़ता है, देन तभी लाइव का जो ऑप्शन होता है वो इनेबल होता है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये ऑप्शन इनेबल होगा, ठीक है। और आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम, कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। इतना सब कुछ होने के बाद आपको करना क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। ये हमारा OBS स्टूडियो डाउनलोड हो चुका है, इसको सिंपली आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है, इस पर क्लिक करना। और दोस्तों एक बात याद रखना कि आपका OBS मतलब आपका लैपटॉप थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। ये देखो मेरा ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें अपने OBS स्टूडियो को ओपन करना है और पूरे स्टेप को समझना। और जो भी आपका चैनल है उसको आप लोग ओपन कर लो, जैसे कि मेरा रहा ये चैनल, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग अपना चैनल ओपन करेंगे, आपके पास 50 सब्सक्राइबर होना कंपलसरी है। अब उसको बढ़ाने कैसे 50 सब्सक्राइबर वो आपको भी लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। आप लोग सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने प्लस वाले आइकन पर, और गो लाइव पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्ट्रीम वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, इस पर। देन उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा एडिट का, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद पहले जितनी सेटिंग्स होती है वो सारी के सारी कर लो। एडिट पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कौन सा है, ये मैच और 16वां है। आप जो भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान की हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हो, या कोई भी किसी भी किसी से भी मैच हो इंडिया का, या कोई भी और देश का किसी भी देश से मैच हो, आप उसकी लाइव यहां पर कर सकते हो, ठीक है। और ये कुछ डिटेल है जो मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करी है, ये सारी की सारी डिटेल्स की कौन से हैशटैग लगाने हैं वो सब कुछ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आज के मैच की जो भी है, तो जाकर के देख लेना। उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहां पर आपको प्यूपल एंड ब्लॉग में चूज करना है। यहां पर कोई भी चूज कर लो, जैसे कि मैं यहां पर क्या चूज करूं यार, क्रिकेट के लिए एंटरटेनमेंट, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, और मैं आपको ना एक थंबनेल दूंगा इंडिया और पाकिस्तान का। मैंने बेसिकली यहीं से एक बंदे का डाउनलोड किया था, सो जो भी मैच आ रहा है आप उस बंदे का डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर किसी का लोगो नहीं होता, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता, तो आप लोग इनके थंबनेल को डाउनलोड कर सकते हैं। देख लेना कि उस बंदे ने कहीं लोगो तो नहीं दिया है अपने चैनल का, ठीक है। यहां से डाउनलोड करने के बाद आप लोग उस थंबनेल को यहां पर ऐड कर देना। अभी देखो सिंपल सा प्रोसेस है, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है ना, आप खुद बताना, ठीक है। यहां पर सेलेक्ट पर क्लिक करोगे, ये आपका कैटेगरी है, आप लोग यहां बना सकते हो। इतना काम करने के बाद यहां पर टेक्स्ट वगैरह लगा देना कि लाइव क्रिकेट मैच, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, ये आपको यहां पर लिख देना है। एक आपको साइट बता रहा हूं जिसका नाम है rapidtext.io/generator, इस पर आपको आना है, और यहां पर आपको लिखना है लाइव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्कोर, ठीक है। ये आप लोग यहां पर लिखोगे, अब देखो कितने सारे कीवर्ड्स आ गए, इन सबको कॉपी करना, यहां ला करके इनको पेस्ट कर देना, क्योंकि ये कीवर्ड्स भी आपकी काफी हेल्प करेंगे आपकी लाइव को टॉप पर लाने में। यहां आप लोग जो लैंग्वेज वगैरह है वो चूज कर लेना, जो भी हिंदी लैंग्वेज है वो आप लोग यहां से चूज कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग की डेट आप लोग यहां से चूज कर लेना आज की, ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद सेव पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब हमें जाना है अपने OBS स्टूडियो में, इसमें सारी सेटिंग करनी है। सबसे पहले राइट क्लिक करना है या प्लस पर क्लिक करके
करके एक सीन क्रिएट करना आप लोग के लिए, ठीक है। अब यहां पर ये सीन क्रिएट करने के बाद ये आपका सोर्स है, यहां पर पहले प्लस पर क्लिक करो और यहां पर आपको क्लिक करना है मीडिया पर, मीडिया सोर्स पर क्लिक करोगे आप लोग, ओके पर क्लिक करना है एंड यहां से आप लोग ब्राउज पर क्लिक करके अपना जो गेम प्ले आपने रिकॉर्ड किया था मोबाइल फोन से वो यहां पर अपलोड करोगे। देन लूप पर आपको क्लिक करना है और इन दोनों को अनटिक करके सिंपली ओके पर क्लिक कर देना। अब यहां पर आपको करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना है ऑल्ट, ALT ऑल्ट वाला ऑप्शन होगा विंडो के बराबर में। अब यहां पर आपको क्या करना है, उस ऑल्ट की मदद से इसको पकड़ना है और इतना आपको सेट करना है, इसको ऊपर लेके आओ फिर ऑल्ट दबाओ फिर इसको ऊपर सेट करो, ऑल्ट से बटन अनप्रेस कर दो फिर इसको अपने अकॉर्डिंग पूरे स्क्रीन पर सेट कर लेना इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने इस तरह पूरी स्क्रीन पर सेट कर लिया। अब ये हमारा काम यहाँ पर पहला काम हो चुका है। अब आपको राइट क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है और यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे ब्राउजर पर, ठीक है। अब यहां पर आपको ओके पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक लिंक देनी है, कौन सी आपको बताता हूं। आपको जाना है गूगल पर और अपना कोई ऐसा ब्राउजर यूज कर लो जो आप लोग ज्यादा यूज ना करते हो, जैसे कि मैं एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूं ये वाला। यहां पर आपको लिखना है लाइव क्रिकेट स्कोर, ये आप लोग लिखोगे, या यहां पर आपको लिखना है ICC T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, ये आप लोग लिखोगे तो यहां पर आपको एक पहली वाली साइट दिखेगी ये वाली, इसको ओपन कर लेना। एक सेकेंड, इस पर क्लिक हो गया, यहां पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखो लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है बिकॉज हम लाइव करने जा रहे हैं और यहां पर आपको देखो ये, देखो ये अभी मैच आ रहा है फिर इंडिया पाकिस्तान का है 3 घंटे बाद, तो अभी मैं केवल इसको इंडिया पाकिस्तान को नहीं लेते हैं, हम इसको लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका लिंक यहां से कॉपी करूंगा क्योंकि अभी ये लाइव चल रहा है तो आपको दिखाना है इसलिए मैं बता रहा हूं। अब जाना है अपने स्टूडियो में, यहां उस लिंक को पेस्ट करेंगे सेम एज इट इज, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच प्ले होगा आपको इस पर क्लिक करना है, देन यहां से इस लिंक को कॉपी करना होगा और यहां पर ला करके इस लिंक को आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यूज कस्टम फ्रेम पर आप लोग क्लिक करेंगे, मतलब इस पर क्लिक मत करना, बाय डिफॉल्ट सही है, ओके पर क्लिक करना है। अब यहां पर देखना ये आपका इस तरीके से यहां पर शो होने लगेगा, आप लोग ऑल्ट के थ्रू प्रेस करके इसको अपने अकॉर्डिंग यहां से सेट भी कर सकते हैं और जब मैच प्ले होगा तो यहां पर लाइव स्कोर दिखेगा, ठीक है। इसे बीच में इस तरीके से लगा देना, अगर ये आपको सही नहीं लग रहा है तो आप लोग इसको क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, देन को यस पर क्लिक कर देना। आपको वापस चले जाना है यहां पर और ये देखो लाइव क्रिकेट स्कोर पर, यहां पर देखो ये आपको दिखेगा ये वाला, ठीक है, ये आपका दिखेगा ये हमारा, इस पर क्लिक करना है आप लोग के लिए और यहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद वापस जाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करोगे, ब्राउजर पर क्लिक करोगे और यहां पर ओके करना है और यहां पर उस लिंक को पेस्ट करना है, देन ओके पर क्लिक करोगे तो यहां से भी आपको सारा लाइव स्कोर देखने को मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। इसे आप लोग ऑल्ट के थ्रू यहां पर इस तरीके से सेट कर सकते हो और इसको पूरा इस तरीके से ले आ सकते हो, ठीक है, जितना भी आपकी मर्जी हो, जब लाइव प्ले होगा तो यहां पर क्रिकेट स्कोर देखेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने यहां पर सेट कर लिया। अब एक चीज आपको और बताता हूं, आपको जाना है अपने चैनल पर जहां आप लोग लाइव कर रहे हो और यहां पर साइड में आपको एक चैट वाला ऑप्शन दिखेगा, आप इसको भी लगा सकते हो। आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, पॉप आउट चैट पर क्लिक करना है और यहां से एक URL आपको मिलेगा ये वाला, इस URL को कॉपी करना। तो जब आप लोग लाइव करोगे ना तो यहां पर लोग पता है क्या करते हैं, लोग यहां पर कॉमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो आप लोग उनको भी यहां पर शो करा सकते हो। लाइट पर क्लिक करना है, ऐड पर, ब्राउजर पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और यहां पर उस लिंक को आप लोग क्या करोगे, पेस्ट करोगे, ठीक है, ये सब कुछ हटा दो, पेस्ट करो, ओके करो और यहां पर देखना जो लाइव चैट होंगी वो यहां पर भी शो होंगी, तो इसे आप लोग इस तरीके से ऊपर सेट कर सकते हो। देखो ये मैं आपको ऐसे जल्दबाजी में बता रहा हूं, आप लोग पूरा टाइम लेकर के इसको सेट करना सही तरीके से। यहां पर आप लोग गेम प्ले लगा सकते हो, कुछ और लगा सकते हो, इसके अलावा वापस आओगे तो यहां पर आप लोग, जैसे मैंने अभी ये लिया है, आप लोग नीचे आकर के इसको भी दिखा सकते हो, ठीक है, तो इसका URL पेस्ट करना। देखो कभी कभी क्या होता है कि नीचे का हम दिखा नहीं पाते, तो आप लोग एक काम और कर सकते हो, आप सिंपली वापस जाना, राइट क्लिक करना, ऐड पर क्लिक करना है और यहां पर लिखा है विंडो कैप्चर, इस पर क्लिक करोगे तो लेटेस्ट आपकी जो विंडो ओपन होगी ना, जैसे कि अभी मैं यहां पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इसलिए ये ग्रीन स्क्रीन आ रहा है, आपकी विंडो ये वाली ओपन होगी, जब आप लोग विंडो कैप्चर पर क्लिक करोगे तो ये भी आपका शो होने लगेगा और इसे भी आप लोग कहीं ना कहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको मैं हटा देता हूं, डिस्कार्ड कर देता हूं इसको, ठीक है, विंडो कैप्चर को हटा देते हैं,
यस पर क्लिक कर दिया, ये हमारा सारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने चैनल पर वापस, हमारे चैनल पर हम वापस आ चुके हैं, इस पर हमें आना है। अब यहां पर देखो नीचे आपको देखेगा स्ट्रीम की, इस स्ट्रीम को आप लोग यहां से कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहां से आप लोग क्या कर लेना, इस पर क्लिक करके क्रिएट न्यू स्ट्रीम पर क्लिक करना है, यहां पर कोई भी नेम दे देना, देन क्रिएट पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक स्ट्रीम की मिलेगी, इसको कॉपी कर लेना। आपको जाना है वापस सेटिंग पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको आउटपुट पर क्लिक करना है और यहां पर देखो वो दिखेगा इनकोडर, इस पर आप लोग क्लिक करोगे और सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके यहां पर आपका ये वाला चूज होगा या ये वाला, आपको सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। देन आपको फिर से नीचे देखो इनकोडर लिखा है, यहां पर आपको ऊपर वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको स्ट्रीम पर क्लिक करना है, यहां से आप लोग यूट्यूब को चूज करोगे और यहां से कुछ मत करना, यहां पर यूज स्ट्रीम के पर क्लिक करना है और यहां पर आप लोग को अपनी स्ट्रीम की पेस्ट करनी है, अप्लाई करना है, ओके करना है। यहां से आप लोग स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे और आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहां पर जाना है आप लोग को अपने चैनल पर और यहां देखो ये आपका लाइव यहां पर स्टार्ट हो चुका है और आप लोग अपने चैनल को जब ओपन करोगे ना तो ये लाइव हो चुका होगा, ठीक है। यहां पर ये अनलिस्टेड है, मैं इसको यहां पर ये देखो ये हमारी लाइव स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग खुद यहां पर चेक कर सकते हो। यहां पर थोड़ी देर में व्यूवर्स भी आना शुरू हो जाएंगे, ये देखो लाइव यहां पर चल रहा है ये पूरा, ओके ये देखो पूरा लाइव प्ले हो चुका है हमारा क्रिकेट मैच। मैं आपको अपने चैनल पर भी ओपन करके एक बार दिखा देता हूं, चलते हैं अपने चैनल पर। मैंने ना मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो भाई वॉइस हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होती हो, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देख लेना। मैं अपने यूट्यूब अपने मोबाइल में ही ओपन कर लेता हूं, इसमें तो टाइम लगेगा। बरेली वाला लाइव 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 यहीं कहीं पर लाइव आ रहा होगा, नोटिफिकेशन तो आ गया है मेरे पास, ठीक है। तो गाइस ये हमारा लाइव चल रहा है अभी के टाइम पर, क्योंकि वही वाली ईमेल आईडी खुली है तो इसलिए देख नहीं रहा। सो प्लीज गाइस जाओ, इस तरीके से आपको लाइव करना है, ठीक है, और कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला। बैकग्राउंड में आप लोग कोई म्यूजिक भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको अपना फेस दिखाना है तो ऐड पर क्लिक करो और यहां से आपको दिखेगा कैमरा, आपको दिखाता हूं, इमेज मीडिया सोर्स सीन वीडियो कैप्चर डिवाइस विंडो कैप्चर सीन मीडिया सोर्स इमेज गेम प्ले डिस्प्ले कैप्चर ब्राउजर आउटपुट। यहां से आप लोग इनपुट या आउटपुट में कोई भी वॉइस ऐड कर सकते हो। वीडियो कैप्चर पर क्लिक करोगे, ओके पर क्लिक करोगे तो अब मैं यहां पर जो बोल रहा हूं ना मेरे देखो ये यहां पर शो होने लगा, ये भी आपका शो हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी इसको नहीं कर रहा शो, वैसे कर लेता हूं, इसको भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहां पर ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहां से लाइव स्ट्रीमिंग करो, आवाज जाएगी। तो भाई ये पूरा प्रोसेस है, डेफिनेटली आप लोग उसको ट्राई करना, उसके बाद आप लोग स्टॉप स्ट्रीमिंग पर क्लिक करके इसको स्टॉप कर सकते हैं और यहां से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो लाइव चल रहा था हमारा, फिलहाल व्यूवर कोई नहीं आया था लेकिन फिलहाल चल रहा था लाइव, ठीक है। तो यही काम आप सभी को करना है लाइव करने के लिए, तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना और प्लीज इस वाली वीडियो पर 1000 लाइक का एम रखा है मैंने, तो उसको भी पूरा करा देना गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर देना भूल मत जाना, ओके चलो बाय।